देश भर में शराब का विरोध बढ़ता ही जा रहा है। जनपद शामली के कांधला थाना क्षेत्र मोहल्ला डंगडूंगरा पर मोहल्ला वासियों ने शराब के ठेके पर जमकर लाठी डंडे बरसाए, साथ ही शराब की लूटपाट भी कर ले गए। सूचना मिलने पर थाना अध्यक्ष मैं फोर्स के मौके पर पहुंचकर मामला शांत कराने का प्रयास किया, लेकिन पब्लिक इतनी गुस्साई थी कि पुलिस के सामने ही लाठी डंडों से शराब की बोतलें तोड़ती रही और पुलिस खड़ी देखती रही। दरअसल मामला उस वक्त का है जब शराब ठेका संचालक छोटी नहर स्थित मोहल्ला डंगडूंगरा पर एक खेत की जगह किराए पर लेकर शराब का ठेका चला रहा था। ये बात मोहल्ला वासियों को हजम नहीं हुई। मोहल्ले वासियों सैकड़ों की तादाद में एकत्रित होकर लाठी डंडे लेकर शराब के ठेके पर टूट पड़े और जो भी शराब की बोतल पेटियां सामने आई जमकर तोड़फोड़ मचाई। पुलिस को सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने भीड़ को समझाने की काफी प्रयास किया, लेकिन भीड़ ने एक ना सुनी। ठेका संचालक का कहना है कि करीब 2 लाख रुपए की शराब पब्लिक ने नष्ट कर दी। मैं तो अपने मानक के अनुसार कार्य कर रहा था, लेकिन अचानक भीड़ में आकर शराब की दुकान में तोड़फोड़ कर दी। जाग तो आप जाओ सौर भाग जाओ फोटो आगे तारे नाम पत्ते अपने आगे करे होंगे पेटी धरी खोल ना फेर है मैंने थोड़े कर खोल खोल इसे पहले नहीं खोल लेता तुमने ओ भाई बोला बोलिया